अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से इनपुट डिवाइसेस और कीबोर्ड। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। जिस तरह वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को डालने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया जाता है, टीवी या फिर एयर कंडीशनर को कमांड देने के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालने के लिए जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। चार किस्म के डाटा को कंप्यूटर के अंदर डाला जा सकता है। अल्फाज, नंबर्स और कमांड्स को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल किया जाता है। आवाज को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए माइक्रोफोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं और तस्वीरों को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए स्कैनर्स और वीडियोस को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए वेबकैम और डिजिटल कैमरास का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आइए बारी बारी इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है कीबोर्ड। जिस तरह कागज पर लिखने के लिए पेन की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर अपने अल्फाजों को लिखने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर तरह तरह की कीज होती हैं, जिनको दबाने के बाद अपनी मर्जी का काम कंप्यूटर पर डाला जाता है। दोस्तों कीबोर्ड के जरिए अल्फाज, करेक्टर्स, नंबर्स और कमांड्स को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। कमांड्स मींस कंप्यूटर के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलना, बंद करना, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना, इस तरीके के काम को कमांड्स कहा जाता है। तो ये हम कीबोर्ड के जरिए कर सकते हैं। आइए इसको मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। कीबोर्ड मुख्तलिफ कीज पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि आप कीबोर्ड की पहली लाइन पर ब्राउन कलर की हाइलाइटेड कीज देख रहे हैं, जो कि फंक्शन कीज कहलाती हैं। इनके बराबर में लाल कलर की कीज हैं, जो कंट्रोल कीज कहलाती हैं। और कंप्यूटर के बिल्कुल राइट यानी सीधे हाथ की तरफ जो कीपैड है, ये न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। न्यूमेरिक कीपैड के बिल्कुल बराबर में कर्सर मूवमेंट कीज हैं और उनके बराबर में ग्रीन कलर की कीज हैं, जो कि स्पेशल पर्पस कीज कहलाती हैं। स्पेशल पर्पस कीज के बराबर में पिंक कलर की कीज हैं, जो कि पंचुएशन कीज कहलाती हैं। और उनके बराबर में ब्लू कलर के बहुत सारे करेक्टर कीज नजर आ रही हैं, जो कि लेटर कीज कहलाती हैं। आइए इन कीज को बारी बारी डिस्कस करते हैं। लेटर कीज, ये कीबोर्ड के बीच की जानिब मौजूद होती हैं और 35 कीज पर मुश्तमिल होती हैं, जिसके अंदर ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स और 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स मौजूद होते हैं। तो इन कीज की मदद से कंप्यूटर के अंदर अल्फाज, नंबर्स और सिंबल्स को डाला जाता है। स्पेस बार की, ये कीबोर्ड के सबसे नीचे जगह पर मौजूद होती है और ये दूसरी कीज के निस्बत इसका साइज बड़ा होता है और इसके जरिए अल्फाजों के दरमियान गैप, खला या फिर स्पेस क्रिएट किया जाता है। जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये करेक्टर्स के दरमियान स्पेस यानी खला पैदा कर रही है। पंचुएशन कीज, जिस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अल्फाजों को तरतीब देने के लिए पंचुएशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास या फिर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना होता है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर सेंटेंस के अंदर तरतीब देने के लिए पंचुएशन कीज इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि सेंटेंस को और खूबसूरती के साथ कंप्यूटर के अंदर डाला जा सके। स्पेशल पर्पस कीज, स्पेशल पर्पस कीज तीन कीज पर मुश्तमिल होती है, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट की। ये तीन कीज खुद से कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब इन कीज को किसी दूसरी की के साथ दबाया जाता है तो ये अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। जैसे कंट्रोल और सी को साथ दबाया जाए तो ये कॉपी का काम करती है, और कंट्रोल और वी को साथ दबाया जाए तो कॉपी किए हुए काम को किसी और जगह चिपकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
इसी तरह इन कीज को दूसरी कीज के साथ मिलाकर अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की को दबाने से इसके ऊपर एक लाइट जलती है तो ये बताती है कि आप कंप्यूटर के अंदर अब स्मॉल लेटर के बजाय यानी छोटी एबीसीडी के बजाय कैपिटल लेटर्स बड़ी एबीसीडी कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। टैब की, टैब की को टैबुलर की भी कहा जाता है और इसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर मौजूद किसी भी डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर, एक बटन से दूसरे बटन पर और एक लाइन से दूसरी लाइन पर जंप कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि हम माउस के बगैर भी एक जगह से दूसरी जगह टैब की के जरिए जा सकते हैं। एस्केप की, एस्केप की किसी भी कीबोर्ड पर सबसे पहली की होती है और इसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर चलने वाले किसी भी प्रोग्राम को रोका या फिर क्विट किया जा सकता है। बैकस्पेस की, बैकस्पेस और डिलीट की कंप्यूटर के अंदर किसी भी अल्फाज को मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बैकस्पेस की के जरिए कर्सर के लेफ्ट साइड पर मौजूद करेक्टर को मिटाया जाता है, यानी कर्सर के उल्टे हाथ में मौजूद जो करेक्टर होगा वो बैकस्पेस की को दबाने से मिट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह डिलीट के बटन के जरिए कर्सर के राइट साइड पे मौजूद करेक्टर यानी अल्फाज को मिटाया जा सकता है। दोस्तों, न्यूमेरिक कीपैड कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर सबसे लेफ्ट यानी सीधे हाथ पर मुश्तमिल एक पैड होता है जो कि 17 कीज पर मुश्तमिल होता है। इसके ऊपर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स और 4 बेसिक ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर इसको ऑन करने के लिए नमलॉक की का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम नमलॉक की को दबाते हैं तो इस तरीके की लाइट जल जाती है जो ये बताती है कि अब न्यूमेरिक कीपैड ऑन हो गया है और इसकी मदद से आप बार बार या फिर ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशंस करने के लिए इस न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इस नमलॉक बटन को बंद कर देते हैं तो फिर ये कर्सर मूवमेंट कीज का काम करती है जो कि हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। कर्सर मूवमेंट कीज, कर्सर मूवमेंट कीज की न्यूमेरिक कीपैड के बिल्कुल बराबर में 4 कीज पर मुश्तमिल एक कीज का गुच्छा होता है। इसको एरोस कीज भी कहा जाता है जिसकी मदद से आप किसी भी पेज या फिर डॉक्यूमेंट पर ऊपर नीचे दाएं या फिर बाएं जानिब जा सकते हैं। फंक्शन कीज, फंक्शन कीज कीबोर्ड पर सबसे ऊपर वाली लाइन पर मौजूद होती हैं। किसी किसी कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक और किसी कीबोर्ड में F1 से F9 तक की F19 तक की फंक्शन कीज पाई जाती हैं। दोस्तों, ये कीज खुद से कुछ नहीं कर सकती लेकिन ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि F1 और F2 ब्राइटनेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, F8 जो है वो साउंड के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इसी तरह F5 रीलोड के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, ये तमाम फंक्शन कीज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। विंडोज की, इस तरह की एक की मौजूद होती है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो लगा होता है। जब हम इस की को दबाते हैं तो इस की के जरिए मेन्यू यानी विंडोज के अंदर जितने भी मेन्यू होते हैं कि हमें किस जगह पे जाना है वो नजर आ जाता है। एंटर की, एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है और इसकी मदद से हम दूसरी लाइन पर जाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, यानी अगर मैं इस बटन को एंटर के जरिए दबाती हूँ तो मेरी कोई भी कमांड परफॉर्म हो जाएगी। तो उस ये सब हम एंटर की के जरिए कर सकते हैं। एंटर की कीबोर्ड पर दो जगह पर मौजूद होती हैं। अगर हम न्यूमेरिक कीबोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंटर की उसके साथ लगाई जाती है ताकि हमें अपने टाइम को वेस्ट ना करना पड़े और दूसरी जानिब अपने हाथ को ना बढ़ाना पड़े, इसलिए एंटर की इस्तेमाल की जाती है। पेज अप और पेज डाउन की, पेज अप और पेज डाउन की कंट्रोल कीज के साथ मौजूद होती हैं। दोस्तों,
ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो एक से ज्यादा पेजेस पर मुश्तमिल होते हैं, उन पेजेस को आगे या फिर पीछे मूव कराने के लिए पेज अप और पेज डाउन की को इस्तेमाल किया जाता है। ये थी कीबोर्ड की कीज और उनकी फंक्शनैलिटीज। अगले लेक्चर में हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे।